नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आज आपसे खास बात करने आई हूँ कि गोवर्धन पूजा पे क्या करें। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी, गोवर्धन पर्वत को आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपने कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। उठाने का कारण ये था कि इंद्र के बजाय श्री कृष्ण ने कहा कि चलो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए कि हमें सब कुछ वही देता है। इस बात पर इंद्र भगवान कुपित हो गए थे और उन्होंने बहुत भीषण वर्षा करनी शुरू की। जब पूरा बाढ़ आने लगा, सब लोग मरने लगे, सब लोग डूबने लग गए, तो सब वापस श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं इंद्र का प्रकोप हम पर हो रहा है, चलिए हम लोग पूजा इंद्र की ही कर लेते हैं और उन्हें रुष्ट नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, चलो गोवर्धन के पास, और उन्हें गोवर्धन को अपने कनिष्ठा उंगली पर उठाया और सबकी रक्षा की। गोवर्धन शब्द संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ दो शब्दों से मिलकर होता है, गौ मतलब गाय, वर्धन मतलब प्रोटेक्शन। तो अगर आज के दिन हम गायों की प्रोटेक्शन करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गाय को नहलाते हैं और उसने चारा खिलाते हैं, तो सारे तीर्थों के पुण्य भी हमें मिलते हैं और सभी समस्त देवी देवता का कृपा हम पर होती है। और आज गाय लक्ष्मी का प्रतीक भी है, तो जिनके भी घर में निर्धनता है उनके लिए तो आज खास विशेष दिन है। कुछ करें ना करें, गाय की आराधना ज़रूर करें। गोवर्धन पूजा के लिए दूसरा एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग जाकर गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर सकते, वो अपने घर में ही एक गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा परिक्रमा कर सकते हैं। दूसरी बात बोलना चाहूँगी, जिनके पास गोबर नहीं है वो साफ निर्मल मट्टी ले सकते हैं, उसकी ही परिक्रमा कर सकते हैं। जब परिक्रमा करें तो साफ पोशाक पहन के करें। एक खास बात, जब आप गोवर्धन की पूजा करें तो या तो पूर्व दिशा में अपना फेस रखें और या नहीं तो फिर नॉर्थ की दिशा में। पूजा होने के बाद आप अपने पूजा घर में जाएं, आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक दिया जरूर जलाएं, आपके पूजा में एक दिया जलाएं, शाम को तुलसी में एक दिया जलाएं, पीपल के पेड़ पे एक दिया जलाएं। बात खास ये है कि जब आप परिक्रमा करें तो घंटी अवश्य बजाते रहें। भगवान आपकी समस्त मनोकामना को पूरा करें और दीपोत्सव और गोवर्धन पूजा और कल भाई दूज सब में आपके जीवन में अपार खुशियाँ, शांति, समृद्धि आए। अब सवाल उठता है कि आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करें, जब परिक्रमा करें तब कौन सा मंत्र बोले। तो बोलना चाहूँगी, ओम वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, कृष्ण भगवान का ध्यान करें और परिक्रमा करें। काफ़ी बार क्या होता है, हमने ऐसा गोवर्धन बना लिया है, अब हम उसकी पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते, तो क्या करें। तो गोवर्धन बना लीजिए और उसके बगल में गोल 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 परिक्रमा कर लीजिए, तो भी चलेगा। मत चिंता करें कि उसे वापस हटा के दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तक जब हम परिक्रमा की बात करते हैं, शंकर भगवान की तो पूरी परिक्रमा होती ही नहीं है, आधी परिक्रमा होती है और हम वहीं से घूम जाते हैं क्योंकि हम जलधरी को नहीं पार करते। वैसे ही अभी गोवर्धन की पूजा या परिक्रमा की बात करें, तो जब परिक्रमा की बात होती है तो सात तो सूर्य की परिक्रमा होती है, गणेश जी की तीन परिक्रमा होती है, अगर विष्णु और विष्णु भगवान के अवतारों की बात करें तो उनकी चार परिक्रमा होती है, दुर्गा जी की बात करें उनके साथ समस्त दूसरी देवियों की बात करें तो उनकी एक परिक्रमा होती है, हनुमान जी की तीन परिक्रमा होती है और शंकर भगवान की आधी परिक्रमा होती है। तो कोई भी व्यक्ति का परिक्रमा कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि जो मंत्र मैंने बताया है इस मंत्र का जाप करें। अगर आप नहीं जा सकते परिक्रमा करने, आप ऑफिस में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में बैठे हैं और वहीं आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगी, गाय को आज जरूर स्नान कराएं और गाय को कुछ ना कुछ चारा खिलाएं। प्रसाद के रूप में अन्नकूट का प्रसाद बनता है, जब अन्नकूट का प्रसाद बनाएं तो दरवाजे को बंद ना रखें, खुले दरवाजे से अन्नकूट का प्रसाद बना के भगवान को अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, शांति, हर चीज़ आपके जीवन में आएगा। नमस्कार।